और कानपुर में पुलिस एक बार फिर से सीमा विवाद में लड़ती नजर आई। कानपुर में दो थानों के बीच सीमा विवाद इस हद तक बढ़ गया कि जिला प्रशासन को लेखपाल भेजकर जमीन नपवाकर थाने की सीमाएं तय करनी पड़ी हैं। दो थानेदारों के बीच मचे इस घमासान की वजह से बोरी में बंद लाश दो दिन तक सड़ती रही। दरअसल कुकरपुर गांव में ग्रामीणों ने एक खेत में बोरे में बंद एक लाश को देखा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन दो थानों की सीमा के बीच ये खेत पड़े रहने की वजह से बिठुर और चैबेपुर के थानेदार आपस में भिड़ गए। एक दूसरे का इलाका बताकर कार्रवाई करने से अपना पल्ला झाड़ने लगा। लाश दो दिन तक लावारिस हालत में पड़ी सड़ती रही। जब बदबू फैलने लगी तो ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ने लगा। मामला ऊपर तक पहुंचा तो थानेदारों ने तहसील से लेखपाल को बुलवा लिया। लेखपाल ने तहसील की किताबें देखकर जमीन की नाप जोक की ओर बताया कि ये खेत बिठुर पुलिस थाने की सीमा में आता है। इसके बाद ही बिठुर के थानेदार ने लाश का पंचनामा शुरू किया। वो जो नाला था वहाँ पे जो है एक डेड बॉडी पूर्व में लोगों द्वारा बताया गया कि महीनों से पुरानी सड़ी पड़ी हुई थी, जिसके जो है शिनाख्त के लिए बुलाया गया कि ये किस 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 सरद में है। वहाँ पे जो है मौके पे नाप कर निशानदेही की गई, जिसमें पाया गया कि जो है वो डेड बॉडी बिठूर थाने की है, कुकरादेव लेखपाल क्षेत्र में पाई गई नाले के नीचे। नहीं, कुछ इस तरह का नहीं था। लेखपाल का बुलाने का मतलब ये था कि चूंकि वो कानूनी कार्रवाई करनी थी, जिस भी थाने में आता वो कानूनी कार्रवाई करनी थी उस पर, तो हमारे बिठूर क्षेत्र में आया तो बिठूर क्षेत्र के लोगों ने उस पर कानूनी कार्रवाई किया।